السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. सबसे पहले हर तरह की हमद और सना, तारीफ और तौसीफ, अजमत और बुजुर्गी, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लायक और ज़ेबा है, जिसके फजल व एहसान से आज की इस बाबरकत मजलिस में हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को हमारे मीज़ान हसनात में लिख दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद को समझने की, अल्लाह ताला की इनायतों में गौर व फिक्र करने की और इससे अपने कल्ब व जिगर को मुनव्वर करने की, अपने अखलाक किरदार को संवारने की, अपने ईमान में इजाफा करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला हमारा चल रहा है। पिछले कई एक रुकूआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल का बहुत तफसील से जिक्र किया। बनी इसराइल जो अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम थी, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी उन नेमतों से नवाजा जो नेमतें दुनिया में किसी कौम और किसी उम्मत को नहीं दी गई। अल्लाह ताला ने उनमें बेशुमार अंबिया पैदा किए, बादशाह पैदा किए, उनमें किताबें नाजिल की, बहुत सारी ऐसी नेमतों से नवाजा जैसी नेमतों से दुनिया की किसी कौम, किसी उम्मत, किसी जमात को नहीं नवाजा गया। लेकिन अल्लाह ताला की इन नेमतों का जवाब उन्होंने नाशुक्री से दिया, नाफरमानी से दिया, कदम कदम पर सरकशी का रास्ता इख्तियार किया, तुगयानी का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने उनके उन सारे जराइम की बहुत तफसीली फहरिस्त पिछली आयतों में दी है। अब यहाँ से सूरह बकरा में एक नया मजमून शुरू हो रहा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल को चुना था, वैसे ही हजरत इब्राहिम को भी चुना। बनी इसराइल को भी बहुत सारी चीजों से आजमाया गया, हजरत इब्राहिम को भी बहुत सारी चीजों से आजमाया गया। बनी इसराइल अल्लाह ताला की आजमाइशों में नाकाम हो गए, अल्लाह ताला के इम्तिहानात पे फेल हो गए, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र का जो तकाजा था वो तकाजा नहीं निभाया, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का जो हक था वो हक अदा नहीं किया। एक पूरी कौम अल्लाह ताला के दिए हुए इम्तिहान में फेल हो गई और एक अकेला शख्स इब्राहिम, जो एक उम्मत के बराबर है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाया गया, अल्लाह की तरफ से उनके इम्तिहानात हुए, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों से उनको दोचार किया और वो हर आजमाइश में कामयाब हुए। हर मुसीबत के बाद, हर इम्तिहान के बाद खड़े बनते गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको इंसानों का इमाम बना दिया। तो एक तरफ एक पूरी उम्मत के हवाल थे जो अब तक बयान हो रहे थे, अब एक शख्स, एक अकेले इंसान का जो कि पूरी उम्मत का इमाम है, उसका मकाम, उसका मर्तबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के यहाँ पे, अल्लाह के यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो अजमत है उसका बयान हो रहा है और ये अजमत उनको कैसे हासिल हुई इसका बयान हो रहा है। यानी पिछली जो आयतें थी उसमें सरकशी का बयान था, कौम कैसे नाकाम होती है इसका बयान था, अब इन आयतों में कामयाबी का बयान हो रहा है कि कामयाब कैसे होते हैं लोग, कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और कैसे वो उस आजमाइश में खड़े उतर के जब दिखाते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें फरमाता है। तो बनी इसराइल का जिक्र यहाँ पे खत्म हो रहा है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो रहा है। वहीद तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती قال لا ينال عهد الظالمين। और याद करिए, लोगों को याद दिलाइए, खुद भी याद करिए, अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा है। इज इब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन, जब इब्राहिम को उसके रब ने कई कलिमात से, कई बातों से आजमाया, तो अतम्महुन, तो उन्होंने उन सारी आजमाइशों को पूरा किया, उन आजमाइशों में खड़े उतरे, अल्लाह ताला के इम्तिहान में कामयाब हुए, अल्लाह ताला का वादा पूरा करके दिखाया। قال انی جاعلک للناس اماما, तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको इमाम बनाने जा रहा हूँ लोगों का। قال ومن ذریتی, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा और मेरी आल औलाद, मेरी ज़ुर्रियत, मेरी आने वाली नस्ल, यानी अल्लाह ताला जैसे तू मुझको इमाम बना रहा है, मेरी आने वाली नस्ल में भी लोगों को इमाम बना,
قال لا ينال احد الظالمين, اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے, میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے, ظالموں کو میں امام نہیں بناؤں گا. یہ آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا, بہت سارے کلمات سے آزمایا. فاتمہن, تو ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم کھڑے اترے, انہوں نے اللہ سے کیا گیا وعدے نبھائے. قال انی جاعلک للناس اماما, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش میں کھڑا ہونے کی وجہ سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ اب میں تم کو بنانے جا رہا ہوں سارے انسانوں کا امام. قال من ذریتی, تو انہوں نے اپنی آنے والی نسل کے لیے, اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ میری ذریت کو بھی امام بنا. قال لا ینال عہد الظالمین, اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے, میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. ابتلا, بلا ہم کہتے ہیں مصیبت کو, ابتلا اسی سے بنا ہے مطلب امتحان, آزمائش, ٹیسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, ان کا امتحان لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خود ہم انسانوں کو ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا, امتحان کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہم کو دی ہے, ہماری یہ پوری زندگی امتحان ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اللہ نے موت اور زندگی کیوں پیدا کیے ہیں؟ لیبلوکم, تاکہ وہ تم کو آزمائے. تو ہماری زندگی بھی آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جن بندوں سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی ان کی آزمائش کرتا ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے, ان کو آزماتا ہے, ان کے صبر کا, ان کے ایمان کا, ان کے تقویٰ کا, اللہ سے ان کی خشیت کا, اللہ سے ان کی محبت کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے. یہ امتحان اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے. اور بندہ جتنا زیادہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے اللہ اتنا ہی آزماتا ہے, کیونکہ جب آزمائش میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کا مقام بلند ہوتا ہے. ایک آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک مقام اس کا بلند کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور جو بندہ اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اشد البلائی الانبیاء, دنیا میں سب سے زیادہ بلائیں, سب سے زیادہ آزمائشیں یہ انبیاء ہی پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر جو دینداری میں, تقویٰ میں, اللہ تعالیٰ سے تعلق میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے انبیاء کی بنسبت, اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دنیا کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشان, ناراضگی کی علامت نہیں ہوتے. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ بندے کو آزما رہے تو بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے ناراض ہے اس لیے مجھے مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈال کر کے, جیسے سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر کے پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس سے گندگی الگ ہو جائے, ویسے اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹی میں بندے کے ایمان کو پکا کر کے اس کو کندن بنا رہا ہوتا ہے تاکہ اس سے جو خرابیاں ہیں وہ نکل جائیں اور وہ بالکل خالص بن کر کے, اس کا ایمان ہر طرح کے میل اور کچیل سے صاف ہو کر کے باہر آئے, وہ آزمائش کی بھٹی سے باہر نکل کے. دیکھیے امتحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ اصلی اور نقلی الگ ہو جائیں, مخلص اور منافق جدا ہو جائیں, سچے اور جھوٹوں میں امتیاز پیدا ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ آزمائش کا سلسلہ بند کر دے تو سچے اور جھوٹوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا, مخلص اور منافق ایک طرح سے دکھائی دیں گے اور کوئی تمیز دونوں کے درمیان باقی نہیں رہ جائے گی. مصیبتیں جب آتی ہیں, بلائیں جب آتی ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ کون لوگ اللہ سے کیے گئے وعدے میں سچے ہیں اور کنہوں نے صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کی محبت, ایمان اور تقوی کا دعویٰ کیا تھا. اگر آزمائشیں آئیں, دیکھیے زبان سے دعویٰ کرنے میں بعض مرتبہ تو منافق مومن سے بھی آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہوتا ہے, لیکن جب مصیبت آتی ہے تو منافق چھٹنے لگتے ہیں. سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں, اللہ سے محبت کے دعوے میں, تقوی کے دعوے میں سچے تھے اور مصیبت میں انہوں نے اپنی ایمان کو ثابت کر کے دکھایا. اور جب بندہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے, تو وہ پھر چھٹنے لگتا ہے. جیسے بارش میں چوہے بل سے باہر بھاگنے لگتے ہیں, ویسے جب مصیبتوں کی بارش برستی ہے تو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, جو منافق ہوتے ہیں,
जो अल्लाह ताला के कॉज में मुखलिस नहीं होते वो फौरन अलग होना शुरू हो जाते, और जो जो मुखलिस होते हैं, जिनका ईमान सच्चा होता है, जिनका अल्लाह पे तवक्कुल मजबूत होता है, मुसीबतें उनको और खड़ा कर देती हैं, उनका मकाम और बुलंद कर देती हैं। तो अल्लाह ताला मुसीबत में डाल करके बंदों को आजमाता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को आजमाया, अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसको उतना ही आजमाता है। अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह के सबसे महबूब, सबसे चहते, अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बरकत वाला और सबसे शर्फ वाला मकाम रखने वाले, इसके बावजूद अल्लाह के नबी की जिंदगी आजमाइशों से घिरी हुई है। अलग अलग तरह की आजमाइशें, पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हो जाना, पैदाइश के कुछ दिन बाद वालदा का इंतकाल हो जाना, निस्बतन एक गुर्बत की जिंदगी बसर करना, दादा और चाचा के यहाँ पे आपकी अल्लाह के नबी सल्लम की परवरिश होना, और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज किया, बेसत हुई, बेसत के बाद की जिंदगी तो कांटों से पुर है, मक्का की भी जिंदगी और मदीना में भी मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों का दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरा है। अगर दुनिया की मुसीबतें ये इंडिकेटर होती अल्लाह की नाराजगी का, तो अल्लाह के नबी सल्लम पर तो कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, हजरत इब्राहिम पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए थी। पर अल्लाह जितना जिसको मोहब्बत करता है अल्लाह उसको उतना आजमाता है, उतना उसका इम्तिहान लेता है, उतना उसके ईमान को खालिस करता है अपनी आजमाइश के जरिए से, और फिर जब बंदा आजमाइश में कामयाब होता है तो फिर अल्लाह उसका मकाम भी बुलंद करता है। आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से बंदे से अल्लाह ताला की नफरत की दलील नहीं होती कि अल्लाह ताला नाराज है। ठीक है, मुसीबत आए तो बंदे को एक अंदेशा ये भी होता है कि कहीं मुसीबत मेरे गुनाहों का सबब ना हो, या मेरे गुनाहों की वजह से ये मुसीबतें तो मुझ पर नहीं आ रही, इसलिए उसको कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन बहरहाल मुसीबत को अल्लाह से हुस्न ज़न का तकाजा यह है कि आजमाइश समझ करके बंदे को तकवे पर, दीनदारी पर डटा रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बंदों को आजमाया, उसी में अल्लाह ताला के बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है, इसलिए उनसे आजमाइशें भी बड़ी सख्त हुई। अलग अलग तरीके से आजमाए गए, बाप ने कुफ्र किया उनसे आजमाए गए, कौम वाले सारे के सारे काफिर उनसे आजमाइश हुई, आग में डाले गए, आग से बचे तो इलाके के लोगों ने शहर बदर कर दिया, हिजरत करते रहे, इलाके इलाके फिरते रहे, वो आजमाइश हुई, अपने बीवी और अपने बच्चे को छोटे से आजमाइश के लिए हुक्म दिया गया कि सहरा में जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, जहाँ पर साए के लिए पेड़ तक के नहीं, हुक्म दिया गया इस बे आबो गया वादी में अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दो, ये कितनी बड़ी आजमाइश थी। फिर उसके बाद हुक्म हुआ जब बच्चा चलने फिरने लायक हो गया, सर्वाइव कर ले गया, हुक्म हुआ कि इसकी गर्दन बिछुड़ी चलाओ। इतनी आजमाइशें दुनिया में और किस बंदे की हुई होंगी। तो हजरत इब्राहिम की आजमाइशें बहुत हुई और ये बड़ा करम अल्लाह का रहा, फतम महुन जो भी आजमाइश हुई उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया, हर आजमाइश में खड़े उतरे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद कर दिया। वही इब्तला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुनाएं कहानी, आप बताएं किस्सा, आप जिक्र करें हिकायत हजरत इब्राहिम की जब अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। देखिए कुरान मजीद में वाकयात बहुत कसरत से बयान किए गए, बाज़ उलमा ने बल्कि कहा है कि कुरान मजीद का एक तिहाई हिस्सा वाकयात पर मुश्तमिल है। ये वाकयात इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने बंदों के लिए जो शरीयत नाजिल की है वो महज कोई फलसफा नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ है, वो एक हकीकत है, वो एक कोई ख्याली चीजें नहीं है जिनका मुतालबा बंदों से किया गया, बल्कि अमलन अल्लाह ताला के बंदों ने वो जिंदगी गुजार करके दुनिया में दिखाई है जिस जिंदगी का मुतालबा ईमान वाले से किया जा रहा है। अगर ये अंबिया ना होते, सिर्फ शरीयतें नाजिल हो जाती, अहकाम नाजिल हो जाते, तो इंसान ये कहता कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, अमलन इन सब का कर पाना मुमकिन नहीं है, किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत पर अमल कर सके, ये बस किताबों में लिखी हुई बातें। अंबिया अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत होते हैं, तो अल्लाह ताला शरीयत में जो नाजिल करता है अंबिया उसकी एक मुजस्सम तस्वीर होते हैं, अंबिया की शख्सियतें पूरे शरीयत का एक नमूना होती हैं, उस्वा होते हैं अंबिया, और ये अंबिया हुज्जत होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह के बंदों को जो शरीयत दी गई है वो कोई किताबी चीज नहीं है, बल्कि अमलन उसको बरतना, उस शरीयत को और उस शरीयत पर अमल करके दिखाना अमलन मुमकिन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ते हुए हमको ये बात जहन में ज्यादा रखनी है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रजा का मुजस्सम इजहार थे, यानी अगर किसी को ये देखना हो कि अल्लाह ताला का चहेता बंदा कैसा होता है तो हजरत इब्राहिम को देख ले। किताबी बातें इंसान की जहन पर उतना असरअंदाज नहीं होती जितना शख्सियतें असरअंदाज होती हैं। इंसान का मिजाज अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि इंसान को किसी
शरीयत पर चलने के लिए, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने के लिए सामने एक उसवा की जरूरत है, एक आइडियल की जरूरत है। अल्लाह ताला नबियों के जरिए से वो आइडियल हमारे सामने रखता है कि अल्लाह की आइडियल शख्सियतें कौन सी हैं, जमीन पर अल्लाह ताला के महबूब बंदे कौन से थे, उनका किरदार क्या था जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के महबूब बने, और अल्लाह ताला के उन महबूब बंदों में सबसे ऊंचा मकाम अंबिया का, रसूलों का है, और उन रसूलों में सबसे आला तरीन मकाम जिन लोगों का, उनमें से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अंबिया की ये शख्सियतें, उनके वाकयात, बाज़ मरतबा नबियों का वाकया बयान किया जाए तो लोगों को लगता है ये तो किस्से हैं, ये तो कहानियां हैं, ये कोई किस्से कहानियां नहीं जो तफरी के लिए बयान किए गए। ये वाकयात इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि अल्लाह के बंदों पर हुज्जत कायम हो और बंदे ये देखें कि अल्लाह ताला के महबूब और चहेते लोग कैसे होते हैं। हमने जब सूरह फातिहा पढ़ी उस वक्त ही हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमको उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरा कुरान मजीद बंदे की इस दुआ का जवाब है। बंदे ने सूरह फातिहा में पूछा था अल्लाह ताला हमको उन लोगों के रास्ते पर चला तेरा इनाम जिन पर नाजिल हुआ, अल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद में यही जवाब देता है कि ये मेरे बंदे हैं जिन पर मेरा इनाम हुआ था। तुमको अल्लाह ताला के उन बंदों के रास्ते पर चलना है जिस पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ था, उन बंदों के रास्तों पर। तो ये इब्राहिम अल्लाह का वो बंदा है जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था और ये है उसका रास्ता। यहाँ से यानी अब तक के मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिम की फहरिस्त चल रही थी कि जो मग़ज़ूब अलैहिम है उनका क्या रास्ता है, जो ज़ालिम है उनका क्या रास्ता है। अब यहाँ पे अनअमता अलैहिम का जिक्र शुरू हुआ है कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो किस रास्ते पर चले, उनका क्या किरदार था, उनका क्या कैरेक्टर था, उनका उसवा क्या है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानियत में सबसे अफजल तरीन और अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हज़रत इब्राहिम। यानी आप देखिए तरीका क्या है कि अल्लाह ताला के सारे बंदों में, सारे इंसानों में अम्बिया की जो जमात है वो सबसे अफजल जमात है, सबसे नेक, सबसे अफजल लोग अम्बिया हैं। अम्बिया में भी जो नबी रसूल है उसका मकाम उन लोगों से बुलंद है जो सिर्फ नबी हैं। बाज़ नबी सिर्फ नबी होते हैं और बाज़ नबी रसूल भी होते हैं। हर नबी रसूल नहीं होता लेकिन हर रसूल नबी होता है। तो रसूलों का जो मकाम है वो नबियों से बुलंद है जो सिर्फ नबी हैं। फिर रसूलों में भी पांच रसूल जो है वो उलुल अज़्म मिनर रसूल हैं। उलुल अज़्म मिनर रसूल यानी हौसले वाले, हिम्मत वाले, जिनका कुरान मजीद में बहुत कसरत से तज़किरा आया है, जिनके हौसले को और जिनके अज़्म को अल्लाह ताला ने अलामत करार दिया है। तो वो पांच रसूल कौन से हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उलुल अज़्म मिनर रसूल में से। फिर इन उलुल अज़्म मिनर रसूल में से दो नबी वो हैं जो अल्लाह ताला की खलील हैं। खलील मतलब क्या होता है, खलील का मतलब होता है गहरा दोस्त, चहेता दोस्त। अरबी में दोस्ती के बहुत सारे मरातिब होते हैं, बहुत सारे मकामात होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं। दोस्ती का जो सबसे आला लेवल है वो है खुल्लत, खलील, सबसे आला लेवल खलील। कितना आला लेवल है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लम बिला शुबा हजरत अबू बकर अल्लाह के नबी सल्लम के बहुत गहरे दोस्त हैं, पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौकुंत मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्त अबा बकरिन खलीला, कि दुनिया में अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। यानी अल्लाह के नबी सल्लम की दोस्ती बहुत गहरी थी हजरत अबू बकर से, पर वो गहराई नहीं थी, वो ऊंचा मर्तबा नहीं था कि वो खलील के मर्तबे पर फायज होते अल्लाह के रसूल के। तो दो ही बंदे हैं अल्लाह ताला के जिनको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम। उसमें फिर अल्लाह के नबी का मर्तबा तो और भी बहुत ज्यादा बुलंद है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी वो बड़ी, बहुत बड़ी शख्सियत है, इसलिए कुरान मजीद में बहुत ज्यादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। मैंने कुछ चीजें जो है, क्योंकि हजरत इब्राहिम का जिक्र पहली मरतबा आ रहा है दर्स में, तो उनके हवाले से कुछ चीजें मैंने यहाँ पर जमा की हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम पर जो अपना फजल हुआ, जैसे बनी इसराइल पे अल्लाह ने बहुत सारी फजीलतें उनको दी और उनको अपने फजल से नवाजा, वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बहुत सारे फजल से नवाजा। फर्क यह है कि अल्लाह की नेमतों का जवाब बंदा कैसे दे। बनी इसराइल ने नाशुक्री से दिया, हजरत इब्राहिम ने शुक्रगुजारी से दिया, तो उसका जिक्र हो रहा है। और बनी इसराइल से ये कनेक्शन है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो बयान किया जा रहा है। और फिर एक ही बनी इसराइल से, बल्कि अल्लाह के नबी के जमाने में कुरान के जो जो लोग मुखातब थे उन सबसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वास्ता था, एक राबता था। यानी हजरत इब्राहिम जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था और जो कुरान के डायरेक्ट मुखातब लोग थे उन सबसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक गहरा रब था, और वो सारे के सारे लोग अपनी निस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ करते थे। यानी कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त कौन लोग थे जो कुरान को, कुरान जिनसे डायरेक्ट खिताब कर रहा था, मुशरिकीन मक्का थे, कुरैश के लोग थे, अरब के मुशरिकीन थे,
इन सारे लोगों का तो दावा यही था कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन पर, मक्का के जो मुशरिक थे वो हजरत इब्राहिम को अपना बाप मानते थे क्योंकि हजरत इस्माइल की नस्ल से वो थे, तो वो हजरत इब्राहिम इस्लाम को अपना जद अमजद मानते थे और वो ये कहते थे कि जो दीन हमारा जिस पर हम अमल कर रहे हैं ये हजरत इब्राहिम का दीन, और जाहिर सी बात है कि वो वाकईतन हजरत इब्राहिम का दीन था। हज की जो मनासिक को अदा करते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही से आए थे रिवायत होकर के, लेकिन हजरत इब्राहिम के दीन में उन्होंने बिदअतें शामिल करके उसके चेहरे को मस्क कर दिया था, उसको बिगाड़ करके रख दिया था। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ऐसा नहीं कि हज की जो मनासिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए वो अल्लाह के नबी ने कोई नए सिरे से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई भी नहीं जानता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशरू किया हो, बल्कि वो मनासिक पहले से अदा किए जा रहे थे, उनमें इस्लाहात किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको दुरुस्त किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बेसिक हज जो है वो अल्लाह के नबी के जमाने में अल्लाह के नबी की बेसत से पहले भी हो रहा था, हज का वो तरीका हजरत इब्राहिम से ही चला आ रहा था, लेकिन उसमें मुशरिकीन ने अपनी बिदअतें डाल करके और बुतों की इबादत से उसको आलूदा करके उसको खराब कर दिया, और वो इसका दावा करते थे कि जो हमारा दीन है वो हजरत इब्राहिम का दीन है, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल का दीन है। तो मुशरिकीन मक्का वो भी अपनी नस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ करते थे, यहूद वो तो जाहिर सी बात है वो बनी इसराइल का मतलब ही होता है याकूब की औलाद, हजरत याकूब कौन थे, हजरत याकूब हजरत इसहाक के बेटे थे और हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम के बेटे थे। तो यहूदियों का ये दावा था कि हम इब्राहिम इस्लाम के दीन पर हैं, बल्कि वो तो ये दावा करते थे कि इब्राहिम यहूदी थे, यहूदियों का ये दावा था कि हजरत इब्राहिम यहूदी थे, यही मामला ईसाइयों का था, ईसाई भी अपनी नस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ करते थे और वो कहते थे कि हजरत इब्राहिम इस्लाम ईसाई थे नस्रानी थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार इसका जवाब दिया कि इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना तो नस्रानी थे, मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नस्रानियन, ना इब्राहिम यहूदी थे ना इब्राहिम नस्रानी थे, वो तो हनीफ थे मुस्लिम थे इस्लाम लाने वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद इख्तियार करने वाले थे, क्योंकि मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये तो हजरत इब्राहिम के बाद आए, तो हजरत इब्राहिम के बाद आने वालों के का दीन हजरत इब्राहिम का दीन कैसे हो सकता है, यानी हजरत इब्राहिम के बाद मूसा और ईसा आए और फिर हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर जो दीन बनाया गया जो इन्होंने गढ़ा हुआ था यहूदियत और नसरानियत, ये तो अल्लाह का उतारा हुआ दीन नहीं था, अल्लाह का उतारा हुआ दीन तो इस्लाम था। जो चीज जो मजहब हजरत ईसा हजरत मूसा के बाद गढ़ा गया हो हजरत इब्राहिम का दीन कैसे हो सकता है, हजरत इब्राहिम मुशरिक भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितने भी लोग कुरान मजीद के मुखातब थे जिनसे कुरान मजीद कलाम कर रहा था वो सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर मुत्तफिक थे, वो एक मुत्तफक अलैह शख्सियत थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हर कोई अपनी नस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ करता था। कुरैश वाले कहते थे कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन पर हैं, यहूदी कहते थे कि हमारे दिन पर थे हजरत इब्राहिम, ईसाई कहते थे हमारे दिन पर थे हजरत इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया कि इन औलन्नासी की लोगों में सबसे ज्यादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हक रखने वाले लल्लदीना तबाउहू व हाज़ा नबी, उनके जमाने में जो हजरत इब्राहिम पर ईमान लेके आए वो लोग थे और ये नबी, इस नबी का इब्राहिम पर सबसे ज्यादा हक है क्योंकि ये नबी वो दावत लेकर के आया है जो दावत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत थी, तौहीद की दावत, अपने दीन को अल्लाह के लिए खास कर लेने की दावत, शिर्क से अपने दामन को बचाने की दावत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहिदीन के इमाम हैं, तौहीद के लिए तो उन्होंने इतनी सारी कुर्बानियां बर्दाश्त की, तो मुशरिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर कैसे हो सकता है, वो तो अल्लाह ताला के लिए दीन को खालिस करने वाले थे, तो अल्लाह को बेटा करा अल्लाह का बेटा है ये बात कहने वाले हजरत इब्राहिम के दीन पर कैसे हो सकते हैं, ना यहूदी हजरत इब्राहिम के दीन पर है ना नसरानी हजरत इब्राहिम के दीन पर है ना मुशरिकीन मक्का हजरत इब्राहिम इस्लाम के दीन पर है, हजरत इब्राहिम के दीन पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम थे। तो कुरान मजीद जो है वो उसका हजरत इब्राहिम का जो बहुत ज्यादा जिक्र कुरान मजीद में आता है वो इसी हवाले से आता है, यहूदियों को भी ये बात समझाई जाती है, ईसाइयों को भी ये बात समझाई जाती है, मुशरिकीन मक्का को भी ये बात समझाई जाती है कि हजरत इब्राहिम के असली वारिस ये नबी है मोहम्मद सल्लम, जो दीन हजरत इब्राहिम का था उस दीन की तरफ दावत देने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नबी की इत्तबा करोगे तो इब्राहिम के दीन पर आओगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को जो इतना नुमाया किया जाता है कुरान मजीद में उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के जमाने में जो लोग कुरान के मुखातब थे, और इस जमाने में भी आप देखें जो तौहीद के दावेदार लोग हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो अपना ताल्लुक जोड़ते हैं आज भी यहूदी, इसलिए जो इब्राहिमी मजाहिब कहा जाता है अब इब्राहिमी मजाहिब उसमें यहूदी भी आते हैं उसमें नसरानी भी आते हैं और मुसलमान भी उसमें शामिल होते हैं, जो लोग मोनोथिज्म यानी तौहीद की दावत देने वाले जिनका ये दावा है कि उनका दीन तौहीद का दीन है वो सब के सब हजरत इब्राहिम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं। तो हजरत इब्राहिम इमामुल मुवहिदीन हैं, मुवहिदीन के इमाम हैं, और दुनिया की सारी मुवहिद कौमें
गरचे उनका दावा गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये दावा करती है कि वो हजरत इब्राहिम के दीन से ताल्लुक रखने वाली। तो हजरत इब्राहिम की शख्सियत बड़ी आला शख्सियत है। उनकी शख्सियत की अजमत का एक पहलू ये भी है कि वो हमारे बाप हैं, यानी कुरान मजीद में हम इनको अल अबू सालिस कह सकते हैं कि हमारे तीसरे बाप, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो हमारे वालिद हैं, जेनेटिक एतबार से फिजिकली हम सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही से हमारी नस्ल चली। हजरत आदम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने बताया कि तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत बाकी रही और आगे बढ़ी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अबुस्सानी है, हमारे दूसरे वालिद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे वालिद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे रूहानी वालिद हैं, स्पिरिचुअल फादर हम कह सकते हैं। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जीन्स है, जो उनकी नस्ल है, जो उनकी ज़ुर्रियत है, वो तो हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल ही से चली, और उनके वक्त उसके अलावा भी बहुत सारी कौमें और नस्लें थी, पर मुसलमान रूहानी एतबार से हजरत मुसलमानों के बाप जो है हजरत इब्राहिम है। जैसे हमारी माएँ हैं हजरत आयशा, हजरत खदीजा और अल्लाह के नबी की सारी बीवियाँ, ये माएँ हमारी रूहानी एतबार से हैं, अखलाकी एतबार से हैं, बाकी हमारा उनके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है। तो यहाँ अबीकुम से खिताब किन लोगों से किया गया, मुसलमानों से किया गया। तो ये जो दीन है, ये दीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, और दीन एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे पेशवा, हमारे इमाम और हमारे बाप हैं। हजरत इब्राहिम का एक मकाम ये भी है कि हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया हैं, नबियों के बाप हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नबी जितनी, यानी हजरत इब्राहिम के दो बच्चे हजरत इसहाक और जितने भी नबी बनी इसराइल में आए, सब हजरत इसहाक के खानदान से आए। बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में नबियों को भेजा, तो पूरा एक सिलसिला है नबूवत का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल में। और फिर हजरत इस्माइल की नस्ल में अल्लाह के नबी जो सारे अंबिया के सरदार और आदम की औलाद है, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में हुए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। तो नबी जो हैं, जितने सारे नबी बनी इसराइल के, और हजरत इस्माइल और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, ये सब के सब हजरत इब्राहिम के बच्चे हैं, हजरत इब्राहिम सलाम की औलाद हैं। इस हैसियत से हजरत इब्राहिम को अबुल अंबिया होने का मरतबा भी हासिल है कि वो अबुल अंबिया हैं। बाकी ये बात मैंने आपको बताई कि वो उलुल अज़्म मिन रसूल में से हैं और अल्लाह ताला के खलील हैं, और इस उम्मत के लिए अल्लाह ने उनको उसवा करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम की जिंदगी भी उसवा है। हमारा बहुत गहरा ताल्लुक हजरत इब्राहिम से। आप जरा ये तसव्वुर करें कि हमको हर नमाज में, हर तशहुद के अंदर हुक्म दिया गया कि हम अपने नबी पर दुरूद भेजें, तो हजरत इब्राहिम को जिक्र करें। हम जब भी दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम, कि अल्लाह ताला तो अपने दुरूद नाजिल कर, अपनी रहमतें नाजिल कर मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जैसे तूने अपनी रहमतें और दुरूद नाजिल फरमाया इब्राहिम पर और आल इब्राहिम पर। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज बगैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र के मुकम्मल नहीं होती। और आप देखें कि ये मकाम और मर्तबा इस उम्मत में और किसी नबी को नहीं मिला कि नमाज में उसका जिक्र वाजिब कर दिया गया। हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती जब तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हो। और अल्लाह ताला ने बाकायदा अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वत्तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि आप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें। नबी को हुक्म दिया गया कि वो इब्राहिम के पैरोकार बने। हम नबी के पैरोकार हैं, हम नबी की इत्तबा करने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की इत्तबा करने वाले हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम हजरत इब्राहिम के मुत्तबे थे, हजरत इब्राहिम को इमाम बनाने वाले और उनके पीछे चलने वाले थे। तो ये कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तबा का हुक्म हमको भी दिया है और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया है। इसलिए हजरत इब्राहिम की शख्सियत बड़ी आला शख्सियत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो यानी आप जैसे आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत पढ़ते हुए एक अंदाजा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लम की सीरत में डाइवर्सिटी बहुत है, तनवो बहुत है, बहुत सारी हैसियतें हैं अल्लाह के नबी सल्लम की, और हर हैसियत से अल्लाह के नबी सल्लम बाकमाल है। वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बहुत ज्यादा पहलू हैं। एक इमाम होने की हैसियत से आपकी जिंदगी है, उसका कुरान मजीद में जिक्र आता है। एक बेटा होने की हैसियत से आपकी जिंदगी और किरदार हमारे लिए उसवा है, उसका जिक्र कुरान मजीद में आता है। एक कौम का फर्द होने की हैसियत से
अपनी कौम से हमारा रब्ता कैसा होना चाहिए, अपनी कौम में दावत का काम कैसे करना है, ये भी एक बहुत जिंदगी का अहम पहलू है इब्राहिम का, जिसका जिक्र कुरान मजीद करता है। फिर हम खासतौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक माइनॉरिटी जो है वो एक मेजोरिटी के साथ कैसे डील करें, जब माइनॉरिटी जो है वो मुसलमान हो और जिस मेजोरिटी के साथ वो रह रही है उसकी कौम में जो अक्सरियत है वो काफिरों की है, तो एक अकलियत का तरीका क्यार क्या होना चाहिए दावत का, किसी अक्सरियत के साथ उसका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उसमें हजरत इब्राहिम इस्लाम की जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू है एज अ माइनॉरिटी जो उन्होंने डील किया है अपने कौम वालों के साथ, वो एक बहुत बड़ा पहलू है। फिर एक शौहर होने की हैसियत से उनकी शख्सियत, वो भी कुरान मजीद का मौजू है। एक बाप होने की हैसियत से उनकी शख्सियत, वो भी कुरान मजीद का एक मौजू है। और सबसे अहम तरीन मौजू एक बंदा, अल्लाह का बंदा कैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की शख्सियत को खास इस पहलू से बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है कि अल्लाह ताला के बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह को ऐसी इताअत गुजारी मतलूब है, ऐसी जानिसारी मतलूब है, ऐसी फरमा बरदारी मतलूब है, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि बंदा ऐसा अल्लाह ताला के सर झुका करके अल्लाह के सामने उसके हर हुक्म के सामने इस तरह से अपना सर झुका दे। इसी तरह से मुसीबत वालों के लिए, दुख के मारों के लिए, गम और मुसीबत में मुब्तला लोगों के लिए हजरत इब्राहिम की जिंदगी बहुत बड़ा नमूना है। तो बहुत ज्यादा डायवर्सिटी और बहुत ज्यादा तनवु हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत में, इसलिए कुरान मजीद ने जितना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को हाईलाइट किया है एज अ उस्वा, उतना किसी और नबी की शख्सियत को हाईलाइट नहीं किया। हजरत मूसा का भी जिक्र बहुत ज्यादा है, पर हजरत मूसा का जिक्र एक किस्से के हवाले से आया है, यानी उनकी जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात के हवाले से कसरत से जिक्र आए, पर बतौर उस्वा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज्यादा आया, यानी एक आइडियल की हैसियत से कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप में एक नमूना थे, मुवहिदीन के लिए एक उस्वा है। और कुरान जी ने फरमाया लकद कान लकुम उस्वतुन फी इब्राहिम, तुम्हारे लिए इब्राहिम की जिंदगी उस्वा है। तो एक आइडियल की हैसियत से जितना हजरत इब्राहिम का जिक्र आया है कुरान मजीद में, और किसी नबी को उस तरह से जिक्र उसका नहीं किया गया। मैंने ये छोटा सा एक नोट इसलिए आप लोगों के सामने रख दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खासतौर पर, हम ज़ुल्क़ादा के महीने से गुजर रहे हैं और ज़ुल्हिज्जा का जो महीना है वो खास मंसूब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, और इसमें जो हम हज की इबादत भी अंजाम देते हैं वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मनासिक हैं, जिनको हम याद इनकी ताज़ा करते हैं, और फिर उसके बाद कुर्बानी का जो एक अमल और एक इबादत हम अंजाम देते हैं उसका भी बहुत गहरा ताल्लुक, बल्कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह ताला ने इस उम्मत में जारी रखा है। तो एक उम्मत होने की हैसियत से हमारा जो एक ताल्लुक हजरत इब्राहिम से होना चाहिए, वो हम उस ताल्लुक को समझें कि नबी बहुत सारे हैं, सारे नबी मुसलमान थे, सारे नबियों की जिंदगी का हमको मुताला करना चाहिए जिन जिन का अल्लाह ताला ने हमको जिक्र किया है कुरान मजीद के अंदर, पर हजरत इब्राहिम से हमारा एक यूनिक तरह का ताल्लुक है अल्लाह के नबी के बाद, जैसा ताल्लुक दूसरे नबियों से नहीं है। इस उम्मत का हजरत इब्राहिम से एक बड़ा गहरा और बहुत यूनिक ताल्लुक है जो और लोगों और अंबिया के साथ नहीं है, और हमको वो जो एक स्पेशल ताल्लुक है हजरत इब्राहिम से हमारा, वो हमको समझना चाहिए। ये हमको पता होना चाहिए कि अंबिया सारे अल्लाह के नबी हैं, सबका मकाम अपनी जगह पे बुलंद है, सारे अल्लाह के रसूल अपने आप में बड़े मरतबे वाले हैं, पर हमसे जो एक ताल्लुक हजरत इब्राहिम का है अल्लाह के नबी सल्लम के बाद, हमसे हमारा जो ताल्लुक हजरत इब्राहिम से होना चाहिए वो बहुत मुख्तलिफ है, वो बहुत यूनिक है। इसलिए कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम को एक अलग तरह से जिक्र किया जाता है, उनकी जिंदगी को एक नमूना बना करके जिक्र किया जाता है। तो हजरत इब्राहिम के फजाइल और मकामात तो बहुत सारे हैं, एक मजलिस में उन सारी चीज़ों को समेटा नहीं जा सकता, बस ये एक मुकदमे के तौर पे मैंने एक बार आपके सामने इसलिए रख दी क्योंकि आगे हजरत इब्राहिम का जिक्र पूरे कुरान मजीद में बकसरत आएगा, और जब ये जिक्र आए तो ये पूरा पस मंजर हमारे जहन में होना चाहिए। हजरत इब्राहिम इस्लाम की शख्सियत जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो बहुत मुत्तफ़क अलैह शख्सियत थी, वो वाकईतन इंसानों के इमाम थे, हर तबका अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करता था, अपने आप को उनके दीन पर बताता था, उनके फॉलोअर होने का दावेदार था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बतौर फख्र अपनी नस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ करता था। और उन सारे हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि असल हजरत इब्राहिम पर दावा रखने वाले मुसलमान हैं जो उनके जमाने में ईमान लेकर के आए, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बहू, जब जब इब्तला की इम्तिहान लिया इब्राहिम का रब्बहू उसके रब ने, रब्बहू फाइल है लेकिन फाइल बाद में लाया गया और मफ़ूल को पहले ले आया गया फाइल से, ऐसा कभी कभी कुरान मजीद में होता है, और जब ये चीज़ होती है तो खास हाईलाइट करना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मकसूद है कि इब्राहिम का जिक्र कीजिए जब अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, रब्बहू उनके रब ने।
यहाँ पे रब्बुहु उनका रब क्यों कहा, हालांकि अल्लाह ताला अकेले हज़रत इब्राहिम का रब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो सारे इंसानों का रब है। खास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खिताब करने का मकसद ये है कि हज़रत इब्राहिम की तरफ मंसूब करने का कि अल्लाह ताला रब तो सारे जहान का है, रब्बुल आलमीन है, पर अल्लाह ताला की रुबूबियत सबके साथ एक दर्जे की नहीं होती। इसलिए हम अकीदे की किताबों में पढ़ते हैं कि अल्लाह की रुबूबियत की दो किस्में हैं, रुबूबियत खासा और रुबूबियत आम्मा। रुबूबियत आम्मा यानी अल्लाह की जनरल रुबूबियत। तो अल्लाह ताला की रुबूबियत के जो अफ़ाल हैं, अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात को रिस्क दे रहा है, सारी कायनात के लोगों पे तसर्रुफ कर रहे हैं। लेकिन एक है अल्लाह की रुबूबियत खासा, यानी एक स्पेशल अल्लाह ताला की रुबूबियत वाला ताल्लुक। तो वो ताल्लुक अल्लाह के खास बंदों से होता है, उसी में से हज़रत इब्राहिम है कि एक रुबूबियत वाला ताल्लुक सारे लोगों से है, पर एक ताल्लुक खास हज़रत इब्राहिम से रुबूबियत का था। खास नेमतें जो सिर्फ अल्लाह ताला ने इब्राहिम पर की, एक खास ताल्लुक अल्लाह का, इसको कहते क्या कहते हैं, रुबूबियत खासा, खास रुबूबियत। तो इसको याद रखें, कुरान मजीद में ये बहुत सारी जगहों पर इस तरह की, मेरे ख्याल से पहले भी ये चीज गुजर चुकी है कि एक तो अल्लाह ताला सारे जहान का रब है, कोई कायनात अल्लाह ताला की, पूरी कायनात अल्लाह ताला की मरबूब है, अल्लाह ताला की के बंदे हैं सारे के सारे, पर जो अल्लाह ताला की खास बंदे होते हैं उनके साथ अल्लाह का एक खास ताल्लुक होता है, एक स्पेशल ताल्लुक होता है। तो अल्लाह ताला का हज़रत इब्राहिम से स्पेशल ताल्लुक था, इसलिए उस स्पेशल ताल्लुक को दर्शाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया रब को, इब्राहिम के रब ने उसको आजमाया, बिकलिमाती चंद कलिमात के साथ। कलिमा कहते हैं सेंटेंस को, बातों को। तो अल्लाह ताला ने चंद बातों के जरिए से आजमाया। ये बातें कौन सी जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने आजमाया? अल्लाह ताला के कलिमात जो है वो दो तरह के हैं, एक है कलिमात कदरिया या कलिमात कौनिया और एक है कलिमात शरईया। इससे पहले भी मैं बाज़िन में ये बात आप लोगों के सामने रख चुका हूँ कि अल्लाह ताला के कलिमात जो है वो एक किस्म के नहीं, दो किस्मों के होते हैं। कलिमात का मतलब होता है सेंटेंस। तो एक तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है जिसको हम अहकाम कौनिया कहते हैं, इसको कलिमात भी कहा जाता है। यानी अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल लौ कान अल बहर मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहर क़बल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिहि मददा। एक तो अल्लाह के कलिमात कदरिया है, अल्लाह ताला ने कहा कुन हो जा, तो जो चीज को होना था वो हो गया, ये कलिमात कदरिया है, यानी अल्लाह ने तकदीर में जो चीजें लिखी हैं। कलिमात कौनिया है कि अल्लाह ताला ने कायनात में जो अहकाम अल्लाह ताला जारी करता है, सूरज को कहता है निकल तो वो निकल जाता है, ये अल्लाह के कलिमा है। अल्लाह के कलमे से सूरज बन गया, चांद बन गया, आसमान से बारिश होती है, जमीन से नबातात उगती है, लोगों को जिंदगी और मौत मिलती है, सारा कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के कलमे कुन से हो रहा है। ये अल्लाह ताला के कलिमात कदरिया है, कलिमात कौनिया भी इनको हम कह दें। हत्ता कि हमारे साथ भी जो वाकयात और हादसात हो रहे हैं, हम पैदा हुए अल्लाह ताला के कलिमे से पैदा हुए हैं, अल्लाह ने कहा कि हमको पैदा हो जा तो हम पैदा हो गए। हमारे सीना धड़क रहा है, अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया धड़कने का। हमारी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के हुक्म से चल रही। हम देख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से देख रहे हैं। हम सुन रहे हैं, अल्लाह के, ये सारे अल्लाह के कलिमात का नतीजा है जो कुछ भी कायनात में हो रहा है। तो ये अल्लाह ताला के कलिमात कदरिया है। हमारे साथ जो हादसा पेश आते हैं, हमको शिफा मिलती है, अल्लाह का कलिमा है जिससे शिफा मिलती है। अल्लाह ने कहा कि शिफा हो तो शिफा हो गई। हमको बीमार हो जाते हैं, ये भी अल्लाह का कलिमा है। हमको नेमतें मिलती हैं, अल्लाह का कलिमा। हमको मुसीबतें आती हैं, अल्लाह का कलिमा। हमको कोई औलाद होती है, अल्लाह का कलिमा है। औलाद छीन ली जाती है, अल्लाह का कलिमा है। हम जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, जिंदा होते हैं, सारी चीजें ये अल्लाह के कलिमात हैं। ये कलिमात कदरिया हैं, कलिमात कौनिया हैं। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर एक लिख दी है, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिख दिया है वो हमारे साथ होना है। और ये अल्लाह के कलिमात तकदीर है, ये तकदीर भी क्या है, अल्लाह के कलिमात, अल्लाह ने लिखा है और वही हमारे साथ हो रहा है। तो तकदीर एक कलिमात कदरिया है, और एक है कलिमात शरईया, अल्लाह ताला के कलिमात शरईया, यानी शरई तौर पे जो हुक्म अल्लाह ताला ने हमको दिया है। नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म है। अकीमुस्सला, ये कलिमा है, नमाज पढ़ो। आतुज़्ज़का, एक कलिमा है, कलिमा शरईया है, ज़कात दो। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कुर्बानी करो, अल्लाह का कलिमा। ये कौन सा कलिमा है? कलिमा शरईया है। तौहीद पर आ जाओ, ये कलिमा शरईया है। शिर्क मत करो, कलिमा शरईया है। हज अदा करो, कलमा शरईया है। ज़कात दो, कलमा शरईया है। तो अल्लाह के कलिमात दो तरह के होते हैं और दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। एक तो होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में जो नेमतें और मुसीबतें लिख दी हैं, अल्लाह उनके जरिए से हमको आजमाता है। औलाद हो रही है, नेमत है, ये भी अल्लाह की आजमाइश है। ये भी अल्लाह का कलिमा था कि औलाद हो। औलाद की फौत, औलाद फौत हो गई, औलाद को मौत हो गई, ये भी अल्लाह का कलिमा है। अल्लाह के हुक्म से वो फौत हुई है, दोनों हमारे लिए आजमाइश है। औलाद पैदा हुई थी तो भी आजमाइश थी। अल्लाह ताला औलाद के जरिए आजमाता। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम वा औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है।
और औलाद का खत्म हो जाना भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला देख रहा है कि बंदा सब्र करता है कि नहीं करता है। तो अल्लाह ताला अपने कलिमात से आजमाता है, और ये कलिमात की आजमाइश कलिमात कदरिया से भी होती है और कलिमात शरिया से भी होती है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अल्लाह ताला की जो आजमाइश है, कुरान भी कलिमा शरिया, कुरान मजीद में जो भी अहकाम है वो सब के सब कलिमात शरिया है ना, अल्लाह के अहकाम है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुर्बानी करो, जक़ात दो, सब्र करो, तौहीद पर आ जाओ, शिर्क मत करो, झूठ मत बोलो, वालदेन की फरमा बरदारी करो, और हलाल माल कमाओ, हराम माल खाने से बचो, जो भी अल्लाह के अहकाम है ये सब क्या है? कलिमात शरिया है। और जो अल्लाह के अकदार है, जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है, जो नेमतें और मुसीबतें हमको मिल रही हैं, ये कलिमात कदरिया है। तो ये कलिमात का मतलब आप समझ जाए, यानी कायनात में जो भी करिश्मे हैं अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के कलिमात तुम उनको गिन नहीं सकते, लोकान बहरों मिदादल ली कलिमात रब्बी, अगर मेरे रब के कलिमात, अच्छा ये रब्बी, ये कौन सा रुबूबियत है? अभी मैंने रुबूबियत की दो किस्में बताई, लकली कलिमात रब्बी, ये एक रुबूबियत की कौन सी किस्म है? हाँ खासा, खासा नहीं खासा, हाँ माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम, ये क्या है? रुबूबियत खासा है, नहीं अल्लाह ताला सबका रब है, लेकिन अल्लाह के नबी से क्योंकि गहरा ताल्लुक है तो अल्लाह ताला कह रहा है को मेरे रब ने, हालांकि रब्बुना भी कह सकते थे, हम सबका रब अल्लाह है, लेकिन खास रब्बी क्यों कहा? एक अपना खुसूसी ताल्लुक अल्लाह ताला से और अल्लाह का खुसूसी ताल्लुक अपने आप से, उसका इजहार करने के लिए कहा कि अगर मेरे रब के कलिमात लिखने के लिए समंदर को काम में लाया जाए तो समंदर खत्म हो जाएगा, कब्ल अन तनफदा कलिमात रब्बी, इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात खत्म हो, यानी अल्लाह ताला ने अपने कलमे कुन से इतनी उसकी कुदरत की निशानियां पैदा कर दी है कि हम लिखते लिखते हमारा कलम घिस जाएगा, समंदर की स्याही बना ली जाए, समंदर की रोशनाई खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने एक जगह फरमाया वलो अन्न माफिल अर्ज मिन शजरति नकला, ये जमीन में जितना पेड़ है उससे अगर कलम बना ली जाए, कलम घिस जाएगी, समंदर खत्म हो जाएगा, अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। तो कलिमात क्या है कि अल्लाह ने कुन कहा ये बन गया, कुन कहा ये बन गया, ऐसे ही अल्लाह के कलमे कुन से इतना सब कुछ हुआ है कि ना समंदर उसको तहरीर में ला सकता है, ना कलम उसको लिख सकता है। तो ये क्या है? अल्लाह के कदरिया कलिमात या कौनिया, इसमें कौनिया भी आप इसमें लिख लें, कलिमात कौनिया, कौनी कलिमात अल्लाह ताला के। तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने फरमाया इज़िब्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन, इज़िब्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन, अल्लाह ताला ने इब्राहिम के रब ने उनको बहुत सारे कलिमात से आजमाया। तो ये कलिमात कौनिया भी थे, मसलन जब वो ईमान लेकर के आए और अपने बाप के सामने खड़े हुए तौहीद की दावत देने के लिए, तो बाप दुश्मन हो गया और बाप ने कहा लअर्जुमन्नका, मैं तुमको रजम कर दूंगा, मुझको अकेले छोड़ दे। अल्लाह की तकदीर थी, उनके वालिद ईमान नहीं लेकर के आए, अल्लाह की तकदीर थी, कौम दुश्मन हो गई, अल्लाह की तकदीर थी, आग में डाल दिया गया, अल्लाह की तकदीर थी, हिजरत करनी पड़ी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, अल्लाह की तकदीर थी, बीवी की इज्जत आजमाइश में पड़ गई फिरौन के हाथों, अल्लाह ताला की तकदीर थी, एक बीवी बांझ हो गई उससे औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ताला की तकदीर थी। अल्लाह ताला मुसीबतों के जरिए से आजमाता है और हर मुसीबत में हजरत इब्राहिम खड़े उतरे। जब ये अल्लाह की तकदीर, अल्लाह ने हमारी तकदीर में कोई मुसीबत लिखी होती तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि हम सब्र करते हुए, अल्लाह से अजर की उम्मीद करते हुए उस तकलीफ को बर्दाश्त करें, और उस तकलीफ से बचने के लिए हराम रास्ता इख्तियार ना करें। उनके पास ऑप्शन था, बाप और कौम दुश्मन हो गई, ऑप्शन था तौहीद का रास्ता छोड़ देते, सब के सब अपने गले लगा लेते, पर उन्होंने उस मुसीबत पे सब्र किया, आग में डाले जा रहे इनकार कर देते अल्लाह का, कुफर का रास्ता अख्तियार कर लेते, आग से बच सकते थे, हिजरत करना पड़ रहा है, शहर बदर किए जा रहे हैं, अगर अल्लाह का रास्ता छोड़ देते हिजरत से बच सकते थे। तो मुसीबतें आई, मुसीबतों में अल्लाह ताला के फैसले पर सब्र किया, अल्लाह से अजर की उम्मीद की, अल्लाह से हुस्ने ज़न रखा, अपने टाइम का इंतजार किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी जिसमें वो कामयाब हुए। बीवी से बच्चे नहीं हो रहे थे, औलाद से महरूम थे, लेकिन दुआएं करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। तो जो कौनी कलिमात के जरिए से आजमाइश हुई, कदरी कलिमात के जरिए से अल्लाह ने उनकी तकदीर में जो बहुत सारी मुसीबतें लिखी हुई थी, अल्लाह उन्होंने हर मुसीबत को अजर की उम्मीद के साथ झेल लिया, बर्दाश्त किया, उस पर सब्र किया, अल्लाह से अच्छा गुमान रखा, फातम महुन कामयाब हो गए उसमें। और कलिमात शरिया यानी जो अहकाम उनको दिए गए, भाई सबसे बड़ा हुक्म तो ये दिया गया कि तौहीद फैलाओ। अब एक अकेला इंसान पूरे नेशन के खिलाफ खड़ा हो गया, पूरी कौम के खिलाफ खड़ा हो गया जबान से, यानी हजरत इब्राहिम की शख्सियत का ये भी बहुत बड़ा पहलू है, मुनाजिर मुनाजरा कर रहे हैं कौम से,
और अल्लाह ताला ने उनको हुज्जत अता फरमाई थी। उनके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने एक आर्ग्यूमेंट करने की एक खास सलाहियत अता फरमाई थी, जबान से कौम का मुकाबला कर रहे हैं, जबान से वालिद को समझा रहे हैं, जबान से नहीं समझा दिए, बहुत लंबा अरसा गुजर चुका, बुतों को तोड़ दिया अपने आंखों से। अल्लाह ने एक अकेले इंसान पर उस वक्त जब जमीन के किसी खित्ते पर निशान नहीं दिखाई दे रहा था ईमान वालों का, अकेले एक बंदा खड़ा हुआ और उसने ईमान की, तौहीद की जो एक छोटी सी एक ईंट रखी, बाद में पूरी की पूरी एक मिल्लत जो है उस ईंट पर एक पूरी मिल्लत की तामीर, एक छोटा सा पौधा जो उन्होंने तौहीद का बोया, पूरी मिल्लत और पूरी कौम जो है तौहीद की उस छोटे से पौधे से निकली। तो सबसे बड़ा हुक्म तो था अल्लाह की तौहीद को आम करने का, उसके लिए शहर शहर फिर रहे, मुल्क मुल्क फिर रहे, एक एक शख्स को जाकर के दावत दे रहे हैं। तो अल्लाह के पैगाम को आम करना ये शरी हुक्म था उनका, तौहीद का हुक्म शरी हुक्म था, शिर्क से बचने का हुक्म शरी हुक्म था। और शिर्क से बचना कितना मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वो पूरे कौम जहां से वो उठे थे वो पूरी की पूरी कौम मुशरिक थी, और माइनॉरिटी के लिए किसी मेजोरिटी के साथ रहते हुए जो शिर्क करने वाली हो अपने दामने तौहीद को शिर्क से बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप हिंदुस्तान में देखें बड़े बड़े तौहीद के दावेदार आपको देखेंगे, आप उनको कि छोटे छोटे मफादात के लिए अपने दामन को शिर्क से दागदार कर लेते हैं। बड़े बड़े मैंने देखा है दाढ़ी वाले, टोपी वाले, और क्या है कॉर्पोरेटर भी नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर का चेला है और थोड़े से मफादात के लिए टीका लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, उनकी आरती उतारी जा रही है, वो नारियल ला करके फोड़ रहे हैं, दाढ़ी वाले टोपी वाले। एक मुशरिक कौम में रहते हुए शिर्क से आपको बचा, अपने आप को बचा लेना बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। ये कोई छोटा मोटा इम्तिहान नहीं था कि एक खानदान शिर्क करने वाला, पूरी कौम शिर्क करने वाली। और उस जमाने में तो बाप एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होता था, यानी हमारे जमाने की तरह नहीं, हमारे जमाने में बाप का दीन अलग हो, बेटे का दीन अलग हो, बाप की नजरियात अलग हो, बेटे की नजरियात अलग हो, और बेटा जो है वो बाप को बोल करके कि नहीं रहता तुम्हारे साथ, अलग हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर वो जो कबाइली इलाका था जहां एक बाप घर का एक बहुत बड़ी अथॉरिटी था, उसके मुकाबले में खड़े हो गए कि मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं, बरात है तुम्हारे, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये बरात, मुशरिकीन से बरात, कोई ताल्लुक नहीं रखना ना तुम्हारे शिर्क से ना तुम्हारे बुतों से, बरात का इजहार, कह दीजिए कि मैं बरी हूं, तुम्हारे शिर्क से भी बरी हूं, तुम्हारे बुतों से भी बरी हूं। छोटा इम्तिहान नहीं था ये। हम हिंदुस्तान के मुसलमान खासतौर पर सिचुएशन को समझ सकते हैं कि एक पूरी कौम जो मुशरिक है उसमें रहते हुए अपने आप को शिर्क से बचा लेना, हम लोग कितना बचा पाते हैं, यानी हम तो इतनी अच्छी खासी माइनॉरिटी है। अगर मुसलमानों को कहे कि मुसलमान दुनिया हिंदुस्तान की सेकंड मेजोरिटी है तो गलत नहीं होगा, हम इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन हम कितना जल्दी अपनी तौहीद को दाव पे लगा देते हैं। थोड़ा सा अपने बच्चे को एजुकेशन, हाई लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अपने बच्चों को ऐसे कॉलेजेस में भेज रहे हैं जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति के सामने खड़े होकर के प्रे किया जा रहा है, शिर्किया दुआएं मांगी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को हमको अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, आला दुनियावी तालीम दिलाना है, तो हम ऐसी स्कूल में भेज रहे हैं जहां पे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरा बच्चा, उसके दिन की शुरुआत नमाज से हो या ना हो, शिर्क से हो रही है। फजर तो वो नहीं पढ़ता, लेकिन स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले प्रे करता है, सबसे पहले अपने दिल को शिर्क के दाग से गंदा करता है। ऐसे मौके पे एक अकेला शख्स पूरी कौम के सामने अपने आप को शिर्क से बचा ले गया, छोटी बात नहीं थी। जो इब्राहिम इस्लाम के बारे में बार बार फरमाता है, वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम जिसने वफादारी करके दिखाई अल्लाह से, उसने अल्लाह से वादा किया कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, तो अपनी दामन को शिर्क के दलदल में रहते हुए अपने दामन को शिर्क की गंदगी से दागदार नहीं होने दिया। ये छोटी मोटी वफादारी नहीं थी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, अपने आप को शिर्क से बचाने का इम्तिहान और अपने आप को तौहीद पर साबित कदम रखने का इम्तिहान। हजरत इब्राहिम उस इम्तिहान में कामयाब हुए और ये छोटा इम्तिहान नहीं था। फिर बच्चे को ज़बह करने का हुक्म, कितना बड़ा हुक्म था ये, क्या शरी हुक्म था, अल्लाह की तरफ से हुक्म था बच्चे को ज़बह करो। बार बार ख्वाब में देखा, अपने बेटे को बयान किया और उसमें कामयाब होकर के दिखाया। बाज़ उलमा ने अलग अलग चीज़ें बयान की, जैसे खतने का हुक्म था, हज़रत इब्राहिम सलाम ने 80 साल की उम्र में गालिबन हदीस में आता है कि खतना किया अपना, ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। हज के मनासिक अदा करने का हुक्म, अल्लाह ताला के घर को तामीर करने का हुक्म, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि मेरा घर तामीर करो, उसको पाक करो, उसके बुनियादों को बुलंद करो। ये सारे आकाम, बहुत सारे छोटे छोटे भी आकाम थे। बाद लोगों ने कहा कि दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म, मोज काटने का हुक्म, जरे नाफ
कि बाल साफ करने का हुक्म, बगल के बाल साफ करने का हुक्म, नाखून काटने का हुक्म, ये भी आकाम थे जो हज़रत इब्राहिम इस्लाम को दिए गए थे, और उन्होंने इन सारे इम्तिहानात में अपने आप को कामयाब होकर के दिखाया, खरे उतरे। फतमहुन, हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने अल्लाह से किए गए वादे को पूरा किया, इम्तिहान में कामयाब हुए। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, बड़ी प्यारी आयत है। मैंने मेरा एक सिलसिला मंगल से शुरू हो रहा है हज़रत इब्राहिम इस्लाम की शख्सियत पर, तो मुझे लोगों को अरबी समझ में नहीं आती, वरना ये टाइटल जो है वो बड़ा प्यारा है। हज़रत इब्राहिम इस्लाम की शख्सियत को बयान करना हो तो उसका उनवान अगर कोई रखना हो तो इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, जिक्र करिए उस इब्राहिम का, वफ़ा जो वफादार था, जिसने अल्लाह से किए गए वादों को पूरा करके दिखाया। दिखाया, अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। कुरान मजीद में आप देखेंगे इब्राहिम का ये जिक्र बार बार आता है, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। यानी तो मुशरिकीन मक्का को तंज किया जा रहा है कि तुम मुशरिक हो और कहते हो कि इब्राहिम के दिन पर है, इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। कानितन, वो तो इमाम थे और अल्लाह की इबादत करने वाले, यकसू होकर के, हनीफन यकसू होकर के, सिर्फ अल्लाह की तरफ चेहरा करके उसकी इबादत करने वाले, शाकिरन लियानुमी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले, इज्तबाहू, जिनको अल्लाह ने चुना, वहदाहू इला सिराति मुस्तकीम, और उनको सिराति मुस्तकीम की हिदायत दी, वातैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, दुनिया में उनको हसनात दिए, आखिरत में जो है वो अल्लाह तआला के सालिहीन बंदों में उनका शुमार होगा। सुम्मा औहैना इलैका, फिर हमने आप पर भी वही की, अनि तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि आप इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करें। देखिए कितना अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि आप इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करें। फिर वही बात, वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। एक तो मुशरिकी ने मक्का को बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम शिर्क करके कहते हो मैं इब्राहिम के दिन पर है, इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। और दूसरा ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा काम था कि एक कौम, मुशरिक कौम में रहते हुए उन्होंने अपने आप को शिर्क से बचा लिया, एक मुशरिक कौम में, क्योंकि कौम के असर से अपने आप को बाहर निकाल लेना, हाकिम के असर से अपने आप को बाहर ले आना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे हिंदुस्तान में कितने लोगों को मैं देखता हूँ दिवाली में मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं, होली खेल रहे हैं, दाढ़ी टोपी वालों को देखा मैंने होली में होली खेल रहे हैं। मुशरिक कौम के अंदर रहते हुए अपनी तौहीद को बचा लेना बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में कामयाब हुए, इसलिए आप देखेंगे बार बार हज़रत इब्राहिम का जिक्र करते हुए आता है वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि वो मुशरिक नहीं हुए, उन्होंने शिर्क से अपने आप को बचा लिया। तो जब उन्होंने अल्लाह से किए गए वादों को निभाया, हर इम्तिहान में कामयाब हुए, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आगे आता रहेगा, قال إني جاعل للناس إماما, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अब तुमको बनाने जा रहा हूँ लोगों का इमाम। यानी जब इम्तिहान होता है, बंदा इम्तिहान में कामयाब होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कामयाबी पर उसको इनाम दिया जाता है, इम्तिहान में कामयाबी पर इनाम मिलता है। अल्लाह ताला बंदे को आजमाता तो है, लेकिन बंदा अगर अल्लाह पे तवक्कुल करने वाला हो तो अल्लाह ताला उसको छोड़ता नहीं। हज़रत इब्राहिम की जिंदगी में इतनी मुसीबतें आई, लेकिन आखिर में क्या है, कामयाबी मिली। आग में डाले गए, आग में डाले गए, लेकिन अल्लाह ताला ने बाल भी बाका नहीं होने दिया, उस आग को हज़रत इब्राहिम के लिए ठंडा कर दिया। हिजरतें करनी पड़ी, कौम वालों ने निकाल दिया, कौम वालों ने समझा इब्राहिम तन्हा हो जाएंगे, इब्राहिम अकेले एक पूरी मिल्लत के इमाम बन गए। आज भी दुनिया में जो लोग सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहूदी भी नसरानी भी अपनी नस्बत अल्लाह हज़रत इब्राहिम की तरफ कर रहे हैं, जिनको कौम ने ये सोच करके निकाल दिया था कि ये तन्हा हो जाएंगे, आज दुनिया के वाहिदीन अपनी तरफ उनकी नस्बत करते हुए, उनकी तरफ नस्बत करते हुए फख्र महसूस करते हैं। लोगों ने तन्हा करना चाहा, वो खुद एक मिल्लत बन गए, वो खुद एक मिल्लत के इमाम बन गए। बच्चे को ज़बह करने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चे का बाल भी बाका नहीं होने दिया। बच्चे और बीबी को कहा कि सहरा में छोड़ दो, पर अल्लाह ताला ने हारने नहीं दिया अपने नबी को। अल्लाह ताला ने खाने पानी से लेकर के हर चीज का इंतजाम उस सहरा के अंदर कर दिया। इम्तिहान होता है, लेकिन जब बंदा अल्लाह ताला पे अपना तवक्कुल जाहिर करता है तो अल्लाह उसको नाकाम नहीं होने देता। हर इम्तिहान के बाद कामयाबी है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान के बाद उनको मुसीबत में मुब्तला नहीं रखा, उस मुसीबत से बचा लिया, बस उनके तवक्कुल का, उनके तखवे का थोड़ी देर के लिए आजमाइश हुई, आखिर कामयाबी पर, यानी वल आखिबतुल तक्वा, वल आखिबतुल मुत्तकीन, आखिर में अच्छा अंजाम मुत्तकियों ही के लिए, अंजाम आखिरकार अच्छा ही हुआ। जिस भी मुसीबत मुब्तला किए गए उसका अंजाम कार आखिरकार उनके हक में ही आया, और जब उन्होंने हर इम्तिहान में कामयाबी दिखाई तो कहा इन्नी जाइलु लिन्नास इमामा, अब तुमने हर इम्तिहान में कामयाब होकर के दिखा दिया, अब हम तुमको सारे लोगों का इमाम बना रहे। फिर हज़रत इब्राहिम इस्लाम इमाम बने,
उनके दो औलाद जो है वो अंबिया, इसलिए अबुल अंबिया उनको कहा गया कि उनकी औलाद से अल्लाह ताला ने नबियों को पैदा किया, जो घर उन्होंने अल्लाह ताला का तामीर किया, पाक किया, अल्लाह ताला ने उसको क़िबला बना दिया। तो इम्तिहानात हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन आजमाइश में बंदा कामयाब होता है तब उसको तमकीन मिलती है, तब अल्लाह ताला की तरफ से उसको इमामत का दर्जा मिलता है। इमामत ऐसी नहीं मिल जाती, इमामत बहुत बड़ा मकाम है, और उस मकाम तक पहुंचने के लिए आजमाइशों से गुजरना पड़ता है बगैर मुसीबत के। वो जो एक उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना। पहले आदमी को सुलगती रेत पर अपने तलवे लहू लहू करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको वो मकाम व मर्तबा, वो अजमत और वो इक्तदार नसीब होता है। हम सोचते हैं कि हम बेदीनी और अल्लाह से दूरी के अपना मिजाज और रवैया कायम रखें और उसके साथ हमको हुकूमत और इक्तदार के मजे भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। पहले अल्लाह ताला की तरफ से की गई आजमाइशों में डट करके दिखाना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला तमकीन नसीब फरमाता है, फिर अल्लाह ताला इक्तदार नसीब फरमाता है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुक लिन्नास इमामा, अब मैं तुमको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। काल व मिन ज़ुर्रियती, अभी हमारे बाप है ना, हमारे अबू सालिस, मैंने फरमाया, मैंने कहा कि अबू सालिस ये अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाले, बाप की अपने बच्चों से मोहब्बत होगी। जब अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा तो उन्होंने चाहा कि ये नेमत उनकी ज़ुर्रियत में भी मिले, उनकी औलाद को भी मिले। तो काल व मिन ज़ुर्रियती, हज़रत इब्राहिम ने कहा अल्लाह ताला और मेरी ज़ुर्रियत, क्या मेरी औलाद को ये नेमत नहीं मिलेगी कि उनमें इमाम बने? काल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियत में भी, मिन ज़ुर्रियती का मतलब वजअल मिन ज़ुर्रियती अइमतन फिद्दीन, कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियत में भी लोगों को इमाम बना। ज़ुर्रियत से मुराद औलाद, आल औलाद, नस्लें। तो अल्लाह ताला तूने मुझे इमाम बनाया, और मिन ज़ुर्रियती इमामत का मकाम, क्योंकि बहुत बुलंद है, और बंदा अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत करता है कि जब वो कोई नेमत उसको मिलती है उसके दिल में पहला ख्याल ये आता है कि मैं ये नेमत अपने बच्चों तक भी पहुंचा सकूं। हज़रत इब्राहिम तो बहुत अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाले थे, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला जैसे तूने मुझे इमामत के इस मकाम से सरफराज किया है, अल्लाह ताला मेरी उम्मत में मेरी ज़ुर्रियत को भी इस मकाम से सरफराज फरमा, यानी मेरी उम्मत मेरी मेरी ज़ुर्रियत में भी दीन का इमाम पैदा फरमा। قال لا ينال احد الظالمين, अल्लाह ने फरमाया لا ينال احد الظالمين, मेरा जो वादा है वो जालिमों को नहीं मिलेगा। यानी अल्लाह ताला तुम्हारी नस्ल में इम्मा तो पैदा करेगा, पर वो जालिमों को अल्लाह ताला इमाम नहीं बनाता, जालिमों को अल्लाह ताला इमामत के शर्फ से सरफराज नहीं फरमाता। यानी अल्लाह ताला ने इब्राहिम की दुआ कबूल की, हज़रत इब्राहिम की नस्ल में इम्मा पैदा हुए। दुनिया में इमाम कौन है? वो जो दिलों के इमाम है, रूहों के इमाम है। और वो कौन है? अंबिया। सारी इंसानों के इमाम असल में कौन है? अंबिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में अंबिया पैदा फरमाए। वजअलना फी ज़ुर्रियतिही अन्नुबुव्वा वल किताब, कि हमने, अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हजरत इब्राहिम की ज़ुर्रियत में नबूवत रखी और किताबें नाजिल की। हजरत इसहाक़, हजरत इस्माइल, दोनों आपके बेटे नबी, फिर हजरत इसहाक़ की औलाद हजरत याकूब नबी, हजरत याकूब की औलाद हजरत यूसुफ नबी, फिर हजरत याकूब की औलाद में बेशुमार अंबिया पैदा हुए, हजरत मूसा नबी, हजरत यहया नबी, हजरत ज़करिया नबी, और बेशुमार अंबिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी। बनी इसराइल में तो बेशुमार अंबिया है, बल्कि गालिबन बाज़ रिवायतों में आता है कि जब भी किसी नबी का इंतकाल होता कोई दूसरा नबी उसकी जगह पर आ जाता। तो हजरत इब्राहिम की ये दुआ थी, जिस दुआ के नतीजे में ये हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हजरत इसहाक की नस्ल चली बनी इसराइल, और उसमें बेशुमार अंबिया पैदा हुए, और हजरत इस्माइल इस्लाम की नस्ल में फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल वसल्लम पैदा हुए। अल्लाह के रसूल वसल्लम की दुआओं में क्या नतीजा था? यानी अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया भी कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम इस्लाम ने खास अल्लाह के रसूल वसल्लम के लिए दुआ की थी, जिसके नतीजे में अल्लाह के रसूल वसल्लम पैदा हुए और अल्लाह के नबी को मबूस किया गया। तो अल्लाह के नबी वसल्लम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थे, तो उन्होंने वो दुआ मांगी थी, मिन ज़ुर्रियती, कि अल्लाह ताला मेरी नस्ल में मेरी आल औलाद में अइम्मा पैदा फरमाया। तो अल्लाह ताला ने इतने सारे इमाम पैदा फरमाए, और सबसे बड़े इमाम भी खुद उनकी औलाद में से हुए, जो सिर्फ किसी खास कौम के और किसी खास खित्ते के इमाम नहीं, बल्कि सारी बशरियत के इमाम है, सारे इंसानों के इमाम है। वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में पैदा हुए। फरमाया वही जान बई तमफा बतल लिन्नास,
और जिक्र कीजिए जालन अलबैता कि हमने अलबैत यानी घर को, अलबैत से मुराद खाने काबा को, मसाबतल लिन्नास, मसाबा यानी लोगों के लिए मरजा लौटने की जगह, बार बार आने की जगह बना दिया। वह अमना और हमने अमनो अमान की जगह बना दिया। वह तखीजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला और इब्राहिम के मकाम को मुसल्ला बना लो, नमाज पढ़ने की जगह बना लो। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला और हमने इब्राहिम और इस्माइल से को ये हुक्म दिया, उनसे ये वादा लिया। अंतहीरा बैतिया लिताइफीना कि वो दोनों साफ करें मेरे घर को, लिताइफीना तवाफ करने वालों के लिए, वलाकिफीना और इतिकाफ करने वालों के लिए, वरुका और रुकू करने वालों के लिए, अस्सुजूद और सजदा करने वालों के लिए। अब यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक खास ताल्लुक बैतुल्लाह से था, काबा से था। काबा का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमा रहे वही जान अलबैत मसाबतन लिन्नास और हमने बैत को, अलबैत का मतलब, बैत का मतलब तो घर होता है, अलबैत में अलिफ लाम जो है इसके बहुत सारे मानी होते हैं। यहाँ पे अलिफ लाम अहद ज़हनी के लिए आया है, एक खास घर। और वो जब बात कही जा रही है तो क्योंकि इब्राहिम के पस मंजर में हो रही तो सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अलबैत किसी आम घर के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि उस घर के बारे में बात हो रही है जिसको अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह कहा है, अल्लाह का घर, और वो क्या है, काबतुल्लाह। फरमाया इस जान अलबैत मसाबतन लिन्नास और हमने बैतुल्लाह को बना दिया मसाबा, साबा का मतलब होता है लौटना, अरबी में साबा और ताबा दोनों लौटने के माने में आते हैं, इसलिए तौबा कहते हैं ना, रुजू को। तौबा यानी उसमें क्या होता है, बंदा गुनाह करके अल्लाह से दूर हो गया था, तौबा करके दोबारा अल्लाह के पास आ जाता है, उसी से मसाबा बनाए कि वो जगह जहां पर बंदा लौट कर गया है। अल्लाह ने बैतुल्लाह को जो एक बे आबो गया वादी में कायम किया गया, अल्लाह का पहला घर था, उस घर को वो शर्फ अता फरमाया कि वो लोगों का मर्जा बन गया, लोग लौट लौट करके वहां पर आते हैं पूरी दुनिया से, या तीन अमिन कुल्ली फजिन अमीक, हर हर जो है इलाके से, हर कौम से, हर वादी से लोग घूम घूम करके बैतुल्लाह को आते हैं। बैतुल्लाह को अल्लाह ताला ने मरकज बना दिया, यानी जो मोहब्बत और ताल्लुक और एक लगाव ईमान वाले बंदे का बैतुल्लाह से होता है, यानी सादा सा घर है बैतुल्लाह। क्या है, आप देखें कि दुनिया के सारे घरों में बैतुल्लाह जो है कोई बहुत डेकोरेशन नहीं, यानी एक सबसे सादा घर की मिसाल क्या हो सकती है, ना उसमें गुम्बद है ना उसमें मीनारे हैं, सादा सा एक घर चौकोर सा बना दिया गया, सादगी की एक आला तरीन मिसाल है। पर इस यानी क्योंकि मुसलमान उसकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं ना, तो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे मुसलमान डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो एकदम सादगी से बना गया एक घर, अल्लाह ताला ने उसको क्या मकाम दिया, मसाबतन लिन्नास, बे आबो गया वादी में, सहरा में बनाया हुआ एक घर, अल्लाह ताला ने लोगों के रुजू का जरिया उसको बना दिया, वो लोगों के दिलों का मरकज बन गया, जिन्होंने नहीं देखा उनकी आंखें तरसती हैं उस घर को देखने के लिए, उनकी ख्वाहिश होती कि किस तरह से उस घर के दीदार से अपनी आंखों को मुनव्वर करें, लोगों को मैंने देखा है, अपनी जिंदगी भर की पूजियां, यानी ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ 2,000-2,500 तनख्वाह थी, 500 रुपया, 1,000-1,000 रुपया जिंदगी भर बचा करके रखा, किस लिए कि इतना पैसा जमा हो जाए कि अल्लाह के घर का दीदार हो सके। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला ने इस घर के लिए लोगों के दिल में डाल दी, और ये घर क्या था, हज़रत इब्राहिम ने इसको तामीर किया था और दुआ की थी, वजअल अफ़ईदतन नास तहवी इलैहि, अल्लाह ताला लोगों का दिल इसकी तरफ मायल कर दे, लोगों की चाहतें इसकी तरफ मायल कर दे। तो अल्लाह ताला ने कैसी चाहतें मायल कर दी कि अल्लाह ताला ने उस घर को मर्जा बना दिया, लिन्नास सारी लोगों के लिए मर्जा बना दिया, हज जो उमरा करने वाले इस घर का तवाफ करने के लिए दूर दूर से सफर करके दुनिया भर की मुशक्कतें बर्दाश्त करके आते हैं। ये एक एहसान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह ने किया जिसका अल्लाह जिक्र फरमा रहा है, क्योंकि बैतुल्लाह से हज़रत इब्राहिम का गहरा ताल्लुक है, उसकी इमारतों को तामीर किया, उसके बुनियादों को हज़रत इब्राहिम ने खड़ा किया था, तो अल्लाह ताला ने इस घर को, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी थी, तो इस घर को लोगों के लिए मसाबा बना दिया, यानी वापस घूम घूम करके फिर करके आने वाली जगह, जो नहीं जा सका उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला उसको इस दीदार से मुशर्रफ करे। अल्लाह ताला हम सबको जिनको अल्लाह ताला ने अब तक तौफीक नहीं दी है हज की उम्रे की, मकबूल हज उम्रे की तौफीक अदा फरमाए, तो एक शौक अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया उस सहरा में कायम होने वाला एक घर, कितने दिलों का, कितनी आंखों की का शौक है, कितने दिलों का शौक है वो घर, वो अमना और हमने अमनो अमान की जगह बना दी। दुनिया का सबसे पुरअमन जगह बैतुल्लाह है, कोई खौफ नहीं, यानी आप देखें दुनिया के सारी मशहूर जगहों का आप एक लिस्ट निकाल लें, जितना अमन व अमान बैतुल्लाह में अल्लाह ताला ने रखा है कहीं और नहीं रखा। अल्लाह के नबी के ज़माने में भी ये मामला था कि सबसे पुरअमन जगह बैतुल्लाह थी,
हत्ता की सूरत हाल ये थी उस जमाने में मुशरिकीन के यहाँ पर कि अगर कोई बंदा हरम के हदूद में अपने बाप के कातिल को भी देखता तो उसको टच नहीं करता, जबकि वहां पर मसला तो ये था कि अगर मेरे जानवर को भी कोई कत्ल कर दे तो इंतकाम का, बदले का ऐसा जोश था कि जानवरों के बदले इंसानों को कत्ल कर दिया करते। लेकिन अगर अपने सगे बाप का कातिल भी हरम की हदूद में दिखता था तो मुशरिक को इसको टच नहीं करता, अमना अल्लाह तआला ने उसको अमन की जगह बना दी। वो जब लूट मार अरबों में बहुत आम थी, हरम का जो हदूद थे, काबतुल्लाह का जो इलाका था और जो हरम के हदूद थे, उन हरम की हदूद में कोई किसको इजाजत नहीं थी कि वो अपनी तलवार निकाले। यानी अल्लाह तआला ने ऐसा अमन का जगह, अमन का गहवारा बना दिया उसको कि इंसान तो इंसान, शिकार के जानवर भी वहां पर मामून है। हरम के हदूद में आप जानते हैं शिकार नहीं कर सकते, उसने मना फरमाया हरम के हदूद में आप शिकार नहीं कर सकते, हत्ता की फरमाया उसके पेड़ नहीं काटे जा सकते, उसकी घास नहीं उखाड़ी जा सकती। ये अल्लाह तआला ने वो मकाम हरम को दे दिया, अमन व अमान, दुनिया का सबसे पुरअमन इलाका। आज के जमाने में भी आप देखें, रात में 3 बजे भी कोई औरत अगर उठ करके बैतुल्लाह के तवाफ करने के लिए आती है, उसको कोई खौफ नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, उसके अपनी इज्जत का कोई खौफ नहीं है, अपने माल का कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल पुरअमन, दुनिया का सबसे पुरअमन इलाका बैतुल्लाह है। ये किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। जअलना अल-बैत मसाबतन लिन्नास, हमने अल्लाह के घर को, बैतुल्लाह को, काबा को लोगों का मर्जा बना दिया, अमनन और अमन की जगह बना दी। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और अल्लाह ने फरमाया मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। यहाँ पे मकाम से उलमा ने दो चीजें मुराद ली हैं, एक तो मकाम इब्राहिम से वो जो पत्थर जिस पर खड़े होकर के हज़रत इब्राहिम ने काबतुल्लाह की तामीर की, उसके बारे में कहा गया कि उस पत्थर को मुसल्ला बनाओ, यानी उसके पीछे नमाज पढ़ो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ खत्म होने के बाद 2 रकात नमाज इस तरह से पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा काबतुल्लाह की तरफ था और काबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में वो पत्थर था मकाम इब्राहिम। और जब वो नमाज अल्लाह के नबी तवाफ के बाद पढ़ चुके तो अल्लाह के नबी ने फिर ये आयत पढ़ी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। तो एक माना मशहूर मारूफ माना यही है कि वो जो मकाम इब्राहिम यानी वो पत्थर, उस पत्थर को मुसल्ला बनाओ, नमाज पढ़ने की जगह बनाओ और उसको सामने रख करके नमाज पढ़ो। और उलमा ने एक माना लिया कि मकाम इब्राहिम एक तो खास वो मकाम इब्राहिम है, और दूसरा हर वो मकाम जिसका ताल्लुक हज़रत इब्राहिम से है, जहाँ पर हज के मनासिक अदा करते हैं, वो सब के सब मकाम इब्राहिम है। काबतुल्लाह भी मकाम इब्राहिम है, मुज़दलफा भी मकाम इब्राहिम है, अरफा भी मकाम इब्राहिम है, मिना भी मकाम इब्राहिम है, सारे के सारे वो मकाम इब्राहिम है। और वहां पे मुसल्ला का मतलब ये है कि इबादत करो, दुआएं करो। तो हज के जो भी मनासिक अदा किए जाते हैं, चाहे वो मुज़दलफा में, चाहे अरफा में, चाहे मिना में, चाहे जमरात के पास, चाहे बैतुल्लाह में, हरम की हदूद के अंदर, ये सब के सब मकाम इब्राहिम है। इसलिए उलमा ने कहा एक मकाम इब्राहिम खास है, उससे मुराद तो पत्थर है, और एक मकाम इब्राहिम आम्मा है, वो सारी जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज के मनासिक अदा किए, वो सब के सब मकाम इब्राहिम है। वो सफा भी है, वो मरवा भी है, वो जमरात भी है, वो और वो मुज़दलफा है, मिना है, अरफा है, ये सब के सब मकाम इब्राहिम है। और यहाँ मुसल्ला से मुराद इबादतें करना। तो जब आप हज करने जाते हैं तो इन सारे मकाम पर आप इबादत करते हैं, बैतुल्लाह का आप तवाफ करते हैं, मुज़दलफा में, मिना में आप क़याम करते हैं, जमरात में आप पत्थर मारते हैं, मिना में आप जानवर ज़बह करते हैं, सफ़ा मरवा की आप सई करते हैं, बैतुल्लाह का आप तवाफ करते हैं, ये सारी इबादतें, इनका एक कनेक्शन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। तो हज़रत इब्राहिम के वो मकामात जहाँ पर हज़रत इब्राहिम ने इबादत की थी, उनका उनमें इबादत करने को इस पूरी उम्मत के लिए मशरू कर दिया गया। लेकिन ज़्यादा राज़ बात यह कि यहाँ मकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है और मुसल्ला से मुराद नमाज पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस आयत का एक शान नुज़ूल भी है, हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के हज़रत उमर ने कहा वाकफ तो रब्बी फी थलास, कि 3 मामलात में मेरा अपने रब के साथ मुआफ़िक़त हो गई, यानी मैंने कोई बात कही और अल्लाह ताला ने उस मेरी बात की ताहिद में कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। उसमें से एक बात यह थी कि मैंने अल्लाह रसूल से फरमाया लव इत्तख़ज़ना मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि अल्लाह के रसूल क्यों ना हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लें, फनज़लत वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तो जब मैंने ये बात कही तो मेरे बात की ताईद में अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, कहा तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना दो। दूसरी बात उन्होंने कही आयत हिजाब के बारे में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीवियाँ, आप उनको हुक्म देखिए वो पर्दा किया करें, उनसे हर कोई अच्छा और बुरा आदमी बात करते हैं, इस पर आयत नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया। और इसी तरह अल्लाह के रसूल की बीवियां एक मरतबा गैरत में आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जो है अल्लाह की बीवियों के मुकाबले में जमा हो गई किसी बात को लेकर के, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि
असारब्भु इन तल्लकाकुन्ना, कि ये हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम सबको तलाक दिलवा दे और अल्लाह के नबी हमको तुमसे अच्छी दुनिया दे दे। और जब उन्होंने ये बात कही उस वक्त कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने यही फरमाया कि अल्लाह चाहे तो बहुत मुमकिन है कि तुमको तलाक दिलवा दे और तुमसे अच्छी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दे। तो हजरत इब्राहिम, हजरत उमर ये कहते हैं कि मैंने ये बात अल्लाह के नबी से कही थी कि हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना ले, नमाज पढ़ने की जगह बना ले, मैंने ये कहा और इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो। वहीदना इला इब्राहिम व इस्माइला, और हमने हुक्म दिया इब्राहिम को और इस्माइल को, अंतहीरा बेतिया, कि तुम दोनों, तहीरा तस्निया का सेगा है, मेरे घर को पाक करो। बेतिया, यहाँ पर अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को अपना घर कहा, ये बेतिया का ही मतलब नहीं कि नौज बिल्ला अल्लाह ताला उस घर के अंदर रहता है, ये इसको कहते हैं नस्बत तशरीफी, किसी चीज के मकाम को बुलंद करने के लिए, उसके शर्फ को बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला कभी उसको अपनी तरफ मंसूब कर देता है। जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी को अल्लाह ताला ने नाकतुल्लाह कहा, अल्लाह की उठनी, तो अल्लाह की उठनी का ये मतलब नहीं कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला उस पर सवार होते हैं, यानी वो अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह ताला की महबूब है, अल्लाह की चहेती है वो उठनी। ऐसे ही हजरत इब्राहिम को कलिमतुल्लाह कहा, रूहुल्लाह कहा, ऐसा वो जो अल्लाह का जिसका मालिक है, अल्लाह के कलिमा है वो। तो यहाँ भी ये इसको कहते हैं नस्बत तशरीफी, किसी चीज के शर्फ को बुलंद करने के लिए उसको अल्लाह ताला कभी अपनी तरफ मंसूब कर देता है। तो अंतहीरा बैतिया, अब ये भी काबतुल्लाह की एक अजमत है कि अल्लाह ताला ने उसको अपना घर कहा है। उसने इब्राहिम और हजरत इस्माइल से कहा मेरे घर को साफ करो, पाक करो। यहाँ सफाई से क्या मुराद है, यहाँ सफाई से हिस्सी सफाई भी मुराद है, यानी वो जो चीजें हिस्सी तौर पे गंदगी होती है, जो नापाक होती है, उनसे पाक रखा जाए काबतुल्लाह को। तो कुछ चीजें हिस्सी तौर पे जो है वो फिजिकली गंदी होती हैं, नापाक होती हैं, उनसे भी अल्लाह ताला के घर को पाक रखा जाए, और कुछ चीजें जो रूहानी तौर पे, मानवी तौर पे गंदी होती हैं, जैसे सबसे गंदी चीज है शिर्क, तो अल्लाह के घर को शिर्क से पाक रखा जाए। सबसे गंदी चीज है बैतुल अल्लाह के अलावा जिन बुतों की पूजा की जाती है, उन बुतों से पाक रखा जाए। और इसमें एक तरह से तंज भी है उन मुशरिकीन के लिए जो जिन्होंने अल्लाह के घर को बुतों की गंदगी से गंदा कर दिया था, कि अल्लाह ताला ने तो हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को हुक्म दिया था कि मेरे घर को पाक रखना और तुमने बुतों को रख करके उस घर को गंदा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे घर को पाक रखो, लिताइफीन तवाफ करने वालों के लिए, वलाकिफीन और एतिकाफ करने वालों के लिए, वर रुक कई सुजूद और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। हालांकि रुकू और सजदा ये ज्यादा अफजल है तवाफ और एतिकाफ से, लेकिन रुकू और सजदे का जिक्र बाद में किया, तवाफ और एतिकाफ का जिक्र पहले किया, क्योंकि जो खास चीज है उसका पहले जिक्र किया गया, आम चीज का जिक्र बाद में किया गया। तो ताइफ, ताइफीन तवाफ करने वाले, तो सबसे पहले तवाफ का जिक्र इसलिए किया क्योंकि तवाफ सिर्फ एक ही जगह का किया जा सकता है और वो काबतुल्लाह है, और किसी जगह का तवाफ नहीं। सबसे खास चीज, सबसे स्पेशल चीज जो बैतुल्लाह से इसका ताल्लुक है, जो बैतुल्लाह के अलावा और किसी कहीं नहीं की जा सकती, वो तवाफ है। तो क्योंकि तवाफ सबसे खास है इसलिए उसका जिक्र पहले किया, वलाकिफीन और एतिकाफ करने वाले। एतिकाफ काबतुल्लाह में भी हो सकता है और एतिकाफ काबतुल्लाह के बाहर भी हो सकता है, हर मस्जिद में हो सकता है, लेकिन सिर्फ मस्जिद में हो सकता है, वो घर पर नहीं हो सकता, वो बाजारों में नहीं हो सकता, इसलिए एतिकाफ का जिक्र तवाफ के बाद किया। और आखिर में रुकू और सजदे का जिक्र किया कि रुकू सजदा बैतुल्लाह में भी हो सकता है, मस्जिदों में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, और बहुत सारी जगहों पर पूरी जमीन अल्लाह के सूसत में फरमाया कि मेरे लिए पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं अल अखस फल जिक्रुल अखस फल अखस, जो सबसे खास है उसका जिक्र सबसे पहले, फिर उसके बाद जो उससे आम है और जो सबसे ज्यादा आम है उसका जिक्र सबसे आखिर में। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को हुक्म दिया गया अंतहीरा बैतिया, कि मेरे घर को पाक रखो, यानी इसमें कोई हिस्सी निजासत भी नहीं होनी चाहिए, गंदगी होनी चाहिए ना कोई मानवीय गंदगी होनी चाहिए, हर तरह की गंदगी से मेरे घर को पाक रखो, क्योंकि तवाफ करने वालों के लिए, ये एतिकाफ करने वालों के लिए, ये रुकू और सजदा करने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी बैतुल्लाह की अजमत का जिक्र किया कि बैतुल्लाह को अल्लाह ने लोगों के लिए मर्जा बना दिया, अमन की जगह बना दी, और हुक्म दिया गया कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। यहाँ एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, आजकल हज का सीजन है और एक बात बहुत ज्यादा देखने में आती है हाजियों में कि जो चीज पाते हैं उसको चूमना शुरू कर देते हैं, कोई काबतुल्लाह को चूम रहा है, काबतुल्लाह के चारों रुकनों को चूम रहा है, मकाम इब्राहिम के पास जा रहे हैं उसको भी चूम ले रहे हैं, जो चीज वहां मिल रही है सब चीज को चूमना शुरू कर दे रहे हैं, हत्ता कि मदीना में जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जो जालियां लगी उसको भी चूम रहे हैं। चूमने का हुक्म अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत अस्वद को दिया है, बाकी मकाम इब्राहिम को चूमने का हुक्म नहीं दिया। हमारा दीन जो है वो जज्बात से नहीं चलता कि मैं बहुत जज्बात वाला हूँ तो जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा, हमारा दीन अहकाम से चलता है,
और अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहिम को चूमने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। और हजरत इब्राहिम, इससे हमको एक बात ये भी पता चलती है कि अल्लाह के घर को, यानी बैतुल्लाह तो काबतुल्लाह तो अल्लाह का घर है, उसके अलावा हर मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। तो अगर अल्लाह ताला के घर को साफ करने की हमको मौका मिले तो हमको ये अपनी सआदत समझनी चाहिए, और दोनों तरह से साफ करना, यानी सबसे ज्यादा अल्लाह के घर को तो शिर्क से, कुफ्र से, बिदअतों से साफ करना है। हमारे जमाने में मस्जिद में हो सकता है हिस्सी निजासत उतनी ज्यादा ना पाई जाए, लेकिन बिदअतों की निजासत मस्जिदों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, हत्ता कि शिर्क की निजासत मस्जिदों में पाई जाती है। तो अल्लाह के घर को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको हिस्सी निजासतों से भी बचाया जाए, खासतौर पर जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो अल्लाह ताला के मेहमान हैं, तो हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला के मेहमानों को क्यों इबादत में किसी तरह का खलल हो उनको इबादत में, हत्ता कि वजू खाने, मस्जिद में जो टॉयलेट होते हैं और इसी तरह से पार्किंग तक के एरिया में हमको ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी इबादत गुजार के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सबब ना बने। अल्लाह ताला ने खास अपने बंदों को इब्राहिम और इस्माइल इन दोनों को हुक्म दिया कि तुम मेरा घर साफ करो, तो जो हुक्म अंबिया को दिया गया है वो हुक्म हम अगर उस पर अमल करें तो हमारे लिए कितनी शर्फ की बात होगी। तो हिस्सी जो कहीं घर अगर मस्जिद के अंदर देखें कि कोई गंदगी पड़ी हुई, तो इंतजार नहीं करें कि जो जिम्मेदार है मौजिन साहब हैं या बांगी साहब है जो साफ करने के जिम्मेदार वो साफ करेंगे। आप इसको अपने लिए शर्फ समझें कि अल्लाह ताला का घर साफ करने का आपको मौका मिले, और ये बड़ा सवाब का काम है। आपको पता होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक खातून वो मस्जिद नबी के झाड़ू मारा करती थी। जब उनकी वफात हो गई रात में, तो रात ही में लोगों ने दफना दिया, लोगों ने सोचा ये झाड़ू मारने वाली औरत है, अल्लाह के नबी के बारे कोई क्या इसके बारे में बताया जाए। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खातून को नहीं देखा, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो खातून नहीं दिख रही है, तो कहा कि उनकी तो वफात हो गई। तो अल्लाह के नबी ने उनकी कब्र पे जाकर के नमाज पढ़ी। हमको मस्जिद साफ करना अपनी शान के खिलाफ लगता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में इतना बुलंद काम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास कब्र पे जाकर के उस औरत की जनाजे की नमाज उसकी तदफीन के बाद पढ़ी। इतना बड़ा मकाम है। तो अल्लाह ताला के घरों को साफ रखना ये एक शर्फ की बात है, हिस्सी निजासतों से भी साफ रखना चाहिए। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मस्जिद में आने वाले इतिकाफ के लिए, नमाज और रुकू के लिए, सजदे के लिए उनको कोई परेशानी का सामना हो। और सबसे ज्यादा साफ रखने की कोशिश करना चाहिए बिदअतों से, बिदअतों से, हर तरह की नाफरमानियों से। इसलिए मस्जिद में कोई गुनाह करना ज्यादा बड़ा गुनाह है, हत्ता कि मस्जिद में तो जो आम चीजें जो गुनाह नहीं है मस्जिद से बाहर वो मस्जिद में आके गुनाह बन जाती है। दुनियावी बात करना, सैरों और जो है वो फजूल की गुफ्तगू करना मस्जिद के अंदर आकर के गुनाह बन जाती है। तो अल्लाह ताला की कुरान मजीद में, अल्लाह के नबी की हदीस में मस्जिदों को भी अल्लाह का घर करार दिया गया है। हदीस के अंदर आता है कि मजतमा कौमुन फी बैतिन बुयूतिल्लाह, जब अल्लाह के घरों में से किसी घर में कोई कौम जमा होती है तो वहां पे बुयूतुल्लाह से मुराद मस्जिदें। तो मस्जिदों को खास तौर पे पाक रखना चाहिए, हर तरह की गुमराहियों से पाक रखना चाहिए, बिदअतों से पाक रखना चाहिए। खास तौर पे जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं उनको मस्जिद के मिंबर को पाक रखना चाहिए, वरना बहुत बड़ा एक नुकसान ये भी होता है कि मस्जिद के मिंबर पर हर अहले गैर नत्तु कहने को खड़ा कर दिया जाता है, जो अल्लाह ताला का दीन बयान करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात और अपने आवाज से चीजें बयान करता है और खुद भी गुमराह होता है, लोगों को भी गुमराह करता है। तो अल्लाह के घर को हर तरह से पाक रखना है, चाहे वो फिजिकल गंदगी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल गंदगियां हो, हर गंदगी से अल्लाह के घर को पाक करने हो। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को, हज़रत इस्माइल को दिया। आगे की आयतें इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में उनकी तशरीह देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद समझने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, इन्हीं बातों पर आज का दर्स खत्म करते हैं।